नमस्कार, मैं वर्तिका राय, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नया साल करीब है, नया साल आने में कुछ ही दिन बच गए हैं। ऐसे में पूरा देश, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे हैं। वहीं जो लोग बिहार की राजधानी पटना में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पटना जू जाने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर साल निकल के आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना जू में जो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाने वाले हैं, वो लोग अब अपनी जेब थोड़ा टाइट कर ले, क्योंकि ये खबर उन लोगों के लिए जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं। और पटना में आप किन जगहों पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसकी पूरी खबर। नया साल करीब है, ऐसे में पूरे देश में हर उम्र और वर्ग के लोग न्यू ईयर 2023 के उपलक्ष में परिवार और दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना इस मौके पर फेवरेट डेस्टिनेशन बनती नजर आ रही है। असल में यहां का चिड़ियाघर राजधानी वासियों के लिए नया साल मनाने का मनपसंद डेस्टिनेशन सालों से रहा है। पटना के इस प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान में नए साल में हजारों लोगों के पहुँचने की संभावना बन रही है। ऐसे देखते हुए जो प्रशासन की भी तैयारी अंतिम चरण में है। ध्यान देने की बात यह है कि पटना जू का टिकट वयस्कों के लिए 30 रुपये तो बच्चों के लिए 10 रुपये होते थे, लेकिन नए साल के मौके पर वयस्कों के टिकट के लिए आपको 100 तो बच्चों के टिकट के लिए 50 रुपये खर्च करना पड़ेगा। हालांकि नए साल के बाद रेट पूर्ववत रहेगा। बताते चले कि नए साल में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी RFID पास वाले भी एंट्री नहीं ले पाएंगे। पास वालों को भी जू के अंदर जाने के लिए अलग से टिकट लेना होगा। नए साल के मौके पर अधिकतर लोग पटना जू में पिकनिक मनाने भी पहुंचते हैं। इसके पीछे ये कारण कि लोग को चिड़िया खाना जैसे ग्रीनरी, अजूबे, हाथी, ऐसे में ग्रीनरी, जंगली जानवर, पक्षी, रंग बिरंगी मछलियाँ और जंगल की तरह प्रतीत होने वाली असीम शांति किसी अन्य इलाके में नहीं मिलती। हालांकि नए नियम के तहत जू में जाने वाले लोग प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, मांसाहारी भोजन पदार्थों को अंदर ले जा पाएंगे। नया साल करीब है, ऐसे में पूरे देश में हर उम्र और वर्ग के लोग न्यू ईयर 2023 के उपलक्ष्य में परिवार और दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना इस मौके पर फेवरेट डेस्टिनेशन बनती नजर आ रही है। असल में यहां का चिड़ियाघर राजधानी वासियों के लिए नया साल मनाने का पसंदीदा डेस्टिनेशन सालों से रहा है। पटना के इस प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान में नए साल में हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना बन रही है। इसे ऐसे देखते हुए जो प्रशासन की भी तैयारी अंतिम चरण में है। ध्यान देने की बात यह है कि पटना जू का टिकट वयस्कों के लिए 30 रुपये तो बच्चों के लिए 10 रुपये होते हैं, लेकिन नए साल के मौके पर वयस्कों के टिकट के लिए आपको 100 तो बच्चों को 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि नए साल के बाद रेट पूर्ववत रहेगा। बताते चले कि नए साल के दिन रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी RFID पास वाले भी एंट्री नहीं ले पाएंगे। पास वालों को भी जू के अंदर जाने के लिए अलग से टिकट लेना होगा। इस साल के मौके पर अधिकतर लोग पटना जू में पिकनिक मनाने भी पहुंचते हैं। इसके पीछे ये कारण है कि लोग को चिड़िया खाना जैसे ग्रीनरी, जंगली जानवर, पक्षी, रंग बिरंगी मछलियाँ और जंगल की तरह प्रतीत तो होने वाली असीम शांति किसी अन्य इलाके में नहीं मिलती। हालांकि नए नियम के तहत जू में जाने वाले लोग प्लास्टिक की मांसाहारी भोजन पदार्थों को अंदर नहीं ले जा पाएंगे। न्यू ईयर पर घूमने के लिए पटना में कई और प्रसिद्ध जगह हैं। बता दें कि इस मौके पर लोग भारी संख्या में सुबह सुबह ही महावीर मंदिर पहुंचते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि साल के पहले दिन भगवान से जुड़ाव रहा तो उनका पूरा साल सुखमय बीतेगा। इसके अलावा भी कई अन्य मंदिर, गुरुद्वारे, पार्क, रेस्टोरेंट में लोग नए साल का जश्न मनाते देखे जाएंगे। जहां खास सजावट और तैयारियां की जा रही है। तो जब भी अब आप पटना जू जाएं तो इस अपडेट्स को अपने दिमाग में रखें। और पटना में अन्य जगह पर अब घूमना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और आपको अन्य तरह की चीज़ें भी अब देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पर आप महावीर मंदिर, जो पटना का फेमस है, लोग अक्सर वहां पर जाया करते हैं और न्यू ईयर की शुरुआत वहीं से करते हैं। अगर आपको भी जाना हो तो प्लीज़ आप लोग घूमें, और तो आप अपने भी न्यू ईयर को खास बनाने के लिए इन जगहों पर जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।